हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर आपसे एक अहम गुफ्तगु करनी है, इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। वही जो कल मैंने मतलब लास्ट जो खान सर के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसी लेक्चर के रिलेटेड। खान सर का एक लेक्चर है मक्का एंड मदीना, जो थंबनेल पर गिवन है। उनका साइट में थंबनेल जो है उसका भी मेरे थंबनेल के ऊपर है, मक्का और मदीना का, जिसमें उन्होंने बताया है। उसमें एक वर्ड उन्होंने कहा है शैतान के बारे में। तो उन्होंने कहा कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज से 1400 साल पहले मक्का में पैदा हुए थे, उनके ज़माने में एक व्यक्ति था, एक शख्स था जो बहुत मतलब बदचलन, बदकिरदार, बहुत मतलब घटिया किस्म का आदमी था। और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद साहब पर कचरा फेंका करता था। तो एक बार उन्होंने उस पर शराब दे दिया यानी बद्दुआ दे दिया, जिसकी वजह से वो शैतान बन गया। और उसी का वो पत्थर है वहाँ लगा हुआ, जहाँ पर लोग कंकड़ी मारते हैं। तो ये जो है, ये जो उन्होंने नॉलेज दिया, ये मिसकॉन्सेप्शन है उनका। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जो रियल नॉलेज है, जो सही मानों में शैतान जो है, शैतान उसको इबलीस कहा जाता है। और अजाजील, वो जिस तरीके से ह्यूमन, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी तरीके से कमोबेश 18,000 लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग से, और ऐसे भी आपको, तो उसमें से भी उसी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन, जिन्नात जिसको बोलते हैं, तो उसी में से है वो। उसकी पैदाइश, उसका जो तखलीक है, उसका जो मैन्युफैक्चर है, वो आग से है। तो शैतान वो है, नहीं कि वो है शैतान जिसके बारे में चांद सर ने कहा। सो फिर से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उनका अपोज नहीं कर रहा हूँ, बट एक वो तो बहुत बड़े हैं, एक छोटे तालिबे इल्म की हैसियत से, स्टूडेंट्स की हैसियत से, मैं ये कहना चाहूँगा, छोटे लर्नर्स की हैसियत से मैं ये कहना चाहूँगा कि सर प्लीज़, अगर स्पेसिफिक एंड सही नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज़ नहीं उसको स्प्रेड कीजिए। क्योंकि एक बार अगर गलत नॉलेज लोगों में आ जाए तो उसको सही करना बहुत टफ है। नॉलेज नहीं रहना वो अलग मैटर है, लेकिन गलत नॉलेज का हो जाना वो बहुत डेंजरस है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, या आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि वो वाला जो क्लिप है, आप मक्का एंड मदीना, मक्का और मदीना के नाम से एक आई होप 15 से 20 मिनट का उनका एक क्लिप है, उसी में उन्होंने बताया है। तो एक शैतान के बारे में हो गया, दूसरा हज के बारे में बताया है, और मक्का के बारे में, तो मक्का एक शहर है, और जिसके बारे में वो बता रहे हैं वो एक्चुअली बैतुल्ला है, काबा है, जिसको काबा बोला जाता है, जो किबला रुख करके जहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है। किबला रुख, मुंह नहीं, रुख होता है वो, क्लियर? उसमें मुंह करके, चेहरा करके उन्होंने कहा, तो किबला रुख होना चाहिए। एक बात और उन्होंने कहा कि पश्चिम घूम करके मुसलमान झूठ नहीं बोलते हैं। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मुसलमानों में। ये एक आम बात है, ये फॉरबिडन बात चला हुआ है ना। एक्चुअली क्या है, झूठ तो बोलना ही नहीं है, झूठ इस्लाम में बोलना ही नहीं है, या जनरली भी आप अगर देखा जाए तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए लोगों को। तो ये कोई नहीं है कि आप पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलिए। तो ये बस ये मनगढ़ंत चीज़ें हैं। सो आई होप आप, उसमें और भी दो चार चीज़ें हैं जिसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन है सर का। तो प्लीज़ अगर जो लोग वो वीडियो देखे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो जो नॉलेज वहाँ से आप एक्वायर किए हैं वो ट्रूथ नहीं है। तो इससे थोड़ा सा एक कम्युनिटी पर क्या बोल सकते हैं, मिसकॉन्सेप्शन आएगा कम्युनिटी के नॉलेज के बारे में। सो बस मैं सपोर्ट करता हूँ उनका, बिकॉज़ ही इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ वेरी जीनियस, हमारा सपोर्ट है उनके साथ। ओके, थैंक यू।